नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 8 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक संसाधन एवं विकास उसका पाठ 2 भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमने इससे पहले मृदा के बारे में और भूमि के बारे में बताया और अब हम मृदा निर्माण के कारक बताएंगे। तो ये इस पाठ की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आपको मिल जाएगी जिसमें आप उसको आप देख सकते हैं वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमसे जुड़ी हुई सारी अपडेट्स मिल सके। तो आइए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक से पहले मैं आपको बता दें कि हमने मृदा के बारे में बताया था, ठीक है, और कि मृदा क्या है, कैसे होती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके पाई जाती है। और अब हम मृदा निर्माण के कारक, मृदा कैसे बनती है, मिट्टी कैसे बनती है, इसके कारक हम अब डिस्कस करेंगे। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जल वायविक कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय हैं। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, इसके निर्माण के कारक भी अलग अलग होते हैं। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं, ठीक है। मृदा का कटना और उसकी क्षीणता, उसका अलग होना, ये बहुत ज्यादा खतरे हैं संसाधन के लिए। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा मिट्टी के निम्नीकरण में सहायक कारक वन उन्मूलन, ठीक है, वन को काटना, अतिचारण, बहुत ज्यादा वहां पे खेती वगैरह करना, रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करना, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करना, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं: मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। मतलब उसके अंदर अगर मिट्टी गीली रहेगी तो मिट्टी वहां चिपकी रहेगी, तो इसलिए उसके अंदर पानी बसता है और वो मिट्टी कटती नहीं है। वैदिक फार्म, ठीक है, वैदिक फार्म आपको यहाँ पे देख सकते हैं, चौड़े समतल सोपान अथवा वैदिक तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं वैदिक प्रवाह, ये पहाड़ों पर ही होते हैं, ढलानों वाली जगहों पर होते हैं। समुच्च रेखीय जुताई, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। इस प्रकार से रक्षक मेखला और सम उच्च रेखीय रोधिकाएं, सम उच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लास्ट वीडियो में हम काफी तेज चल रहे थे, थोड़ा अब हम धीमे करेंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत धीमे चल रही है तो आप वीडियो में जो सेटिंग्स होती हैं उसको आप फास्ट करके ज्यादा तेज दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत तेज चल रही है, आपके ज्यादा को समझ में आने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसको भी जीरो कर, उसको आप कम कर सकते हैं, उसकी स्पीड को, ठीक है, नॉर्मल से कम कर सकते हैं तो आपको आसानी होगी। क्योंकि देखिए ये चीजें हर किसी को पता नहीं होती है लेकिन ये बहुत सरल है ना। हमने मृदा के कारक के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि मृदा जो है वो क्या है, ठीक है। और अभी हम एक यहाँ पे एक चीज थी महत्वपूर्ण सी, हाँ, क्रियाकलाप। भारत में जलोढ़, काली, लैटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए वे एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। आपको एक तो पता लग गया कि भारत में सारी मिट्टी पाई जाती ही है,
जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जैसे उपजाऊ भूमि में जो होता है, मैदानों में जो मिलती है, काली मिट्टी भी मिलती है, लाल मिट्टी भी मिलती है, लैटराइट भी मिलती है, मरुस्थल के अंदर जो मिट्टी होती है रेत जैसी वो भी मिलती है, और पर्वतीय प्रकार की मिट्टी भी हमारे यहाँ पे मिलती है। तो आपको तो चार पांच प्रकार तो आपको ऐसे पता लग गए। आप देखिए क्रियाकलाप है यहाँ पे, एक ही आकार की ए और ब दो ट्रे लीजिए, इन ट्रे के अंत में छह छेद बनाइए इस प्रकार से, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, और ए ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए, जबकि बी ट्रे में गेहूं अथवा चावल के दाने लगाइए। बाद में बी ट्रे के दाने उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हो। दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक ओर से मग से जल डालिए। दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पंकिल जल को दो अलग अलग डिब्बों में एकत्रित कीजिए। तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे से कितनी मृदा बह गई, आप देख सकते हैं। और ये सत्य है कि जिसमें पेड़ पौधे नहीं होंगे वहां से मिट्टी ज्यादा क्षरण होगी, वहां से मिट्टी का ज्यादा, मिट्टी को क्षति पहुंचेगी और मिट्टी का अपरदन होगा और वह नीचे देखिए वहां पे गिरेगी। इसी प्रकार से जिस जगह पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, जिस जगह पे हम उगाते नहीं है, मिट्टी सिर्फ खाली छूटी हुई होती है, वह हवा के कारण पानी के कारण उनका अपरदन होता है और वह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है और उस जगह को खाली कर देती है। चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन में मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एक आंतर कतारों में उगाई जाती है, ठीक है, बीच में फसल उगाई जाती है। क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है, ठीक है, मानव उपयोग के लिए जल की खपत है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना जल हमें चाहिए। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, हमने जल के बारे में पढ़ा है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह भी कहना उपयुक्त है ना, हमारे देश, हमारे भारत, हमारे पृथ्वी को जल ग्रह भी कहते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था, यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं, मतलब 70% हिस्से पे है ना, 2/3, वैसे 66 बनता है बट 70% आसपास उतना ही लगता है। और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं है ना, उनको पनपने में मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन मछलियां वहां रहती है, आपको पता है। अलवण जल केवल 2.7% ही है, इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी के सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है, इसकी कुल मात्रा स्थिर ही रहती है हमेशा। अगर आप इधर से एक, अगर आप सोचेंगे एक गिलास मैंने पानी गेर दिया तो वेस्ट हो गया, मतलब वह उड़ जाएगा और वह फिर दूसरी जगह पहुंच जाएगा, लेकिन वह उतना ही रहेगा। अगर 1 लीटर है पानी तो 1 लीटर ही रहेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है, ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायुभूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है, मतलब चलता रहता है। जैसे कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है, जैसे खेती वगैरह। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नगदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। क्योंकि बेहतर होगा जीवन स्तर, आप साफ सुथरा रखोगे, खूब पानी से धोओगे घर को,
तो इस तरीके से। लेकिन आपको याद रखना है कि पानी कभी भी खराब नहीं करना है। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। पीने के लिए 3 लीटर करता है, खाना बनाने के लिए 4 लीटर पानी करता है, उसमें धोता भी है ना, सब्जियों को धोता भी तो है, नहाने के लिए 20 लीटर पानी इस्तेमाल करता है, शौचालय में फ्लशिंग वगैरह के लिए, मतलब शौचालय प्लस फ्लशिंग वगैरह फ्लश करते ना, 40 लीटर पानी, कपड़े धोने में भी 40 लीटर पानी लग जाता है, बर्तन धोने में 20 लीटर पानी हमारा लग जाता है, बागवानी, अगर हम किसी घर में बागवानी है, मतलब बागवानी मतलब पेड़ पौधे वगैरह हैं, उसको पानी देने में 23 लीटर, तो कुल मिला के हम 150 लीटर पानी कर सकते हैं। क्या आप इस उपयोग को कम करने के तरीके सोच सकते हैं? देखिए, जिस प्रकार से हम बर्तन धोते हैं या कपड़े धोते हैं, तो हम कोशिश करें कि हम जैसे धोते रहते हैं, 4-4, 5-5 बार बाल्टी से पानी निकालते हैं, हम 1 या 2 बार में भी वो कपड़े धुल जाते हैं अगर हम उसको अच्छी तरीके से धोए, अच्छी तरीके से उसको निचोड़े, ठीक है। नहाने के लिए हम शावर का इस्तेमाल ना करते, बाल्टी का इस्तेमाल करें, तो 20 लीटर ही पानी होगा। पीने पानी बहुत अच्छा होता है। की समस्या, विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति के कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण, आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गया है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाना चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है, मतलब यूजलेस बना देता है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायन का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिकरण, वही स्राव जल के प्रमुख संदूषक है। इनमें शामिल नाइट्रेट, धातुएं और पीड़कनाशी जल के प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन सजीव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्त्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और जल वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और इस भूमिगत जल जो होता है उसको पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है, ठीक है। जो जल संग्रहण जो है हमारे ऊपर का जो पृष्ठीय प्रवाह है उसको बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों में सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना किस प्रकार से यहाँ पे स्प्रिंकलर की तरह मतलब बारिश करवाई जा रही है। इससे क्या होता है कि पानी सही जगह पे पहुंचता है और ऊपर पहुंचता है, ठीक है, कितनी जितनी जरूरत होती है। आप अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का 1 और 8,000 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। तो आपको पता है और बहुत से लोग जल संरक्षण करते भी हैं गांवों में या जिनके पास जगह है, जो टंकियां हैं, खुले जगह है, पार्कों में, और पानी जो है वो सारा पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू जाता भी है, वो नालियों में नहीं जाता है। तो इस प्रकार से अभी हम नेक्स्ट वीडियो में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और जल्दी दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी समस्या आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अपने दोस्तों की वीडियो पहुंचाइए और पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।